प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है जिसमें कोशिश होती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, वो तमाम तर मालूम आप तक पहुँचाई जाए जिसका आपके लिए जानना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम होते हुए देख रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी सरगर्मियाँ जो लोग जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो किस मकासद के लिए हैं, क्यों कर उनसे हमें इल्म होना चाहिए उनका, और उन चीज़ों को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, क्या चीज़ें तर्क करनी है, क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, ये सारी चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों की तरफ से जो भिजवाए गए टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी हम बात किया करते हैं, और हमारी कोशिश रही है कि आपके जो सवालात होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। तो आज भी जनाब आप प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को डायल करना है 0334-1966-966, ये नंबर है, यानी 0334-1966-966। इस पे आप लोगों के मैसेजेस भी लेंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी, और जनाब इसके साथ साथ आप लोग ज्वाइन करेंगे मुझे मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान पे, और वहाँ आप ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे होंगे। तो आप लोग वहाँ भी जनाब जो भी लिखेंगे उसे भी हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जनाब आप ज्वाइन करेंगे मुझे मेरे हमारे जो YouTube चैनल है, इस पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के गुज़िश्ता सारे प्रोग्राम्स भी, और अभी आप लाइव वहाँ हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वेव FM 96.6 लेके सर्च कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इस जदीद दौर में इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ शामिल हो चुका है, और कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत हद तक जिद्दत आती जा रही है, और ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है। बहुत सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स जो भी ईजाद किया जाता है वो इंसान की ज़िंदगी को आसान करने के लिए है, और कहीं ना कहीं मशीन्स ने हमारी जो इंसानों की मशक्क़त भरी एक ज़िंदगी थी, मशीन्स ने आके जब अपना रोल प्ले किया तो इंसान काफ़ी हद तक सहल पसंद हो गए। लेकिन सहल पसंदी अगर तवालत इख्तियार कर जाए तो मेरा ख्याल है कि आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। मगर हर चीज़ जहाँ उसके फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी ऐसी भी कुछ ममालिक की होती है कि जो फिर नुकसान की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है, रुझान होता है, लेकिन उन्हें पता बहुत देर के बाद चलता है। तो जनाब टेक्नोलॉजी के हवाले से ही आज हम बात करने जा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में एक ऐसी ईजाद के बारे में हम बात करेंगे जिसका इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके इस्तेमाल से हम कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, क्या कुछ हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। हमने मखसूस बस कह लीजिए कि कामों के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे हम कुछ अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, कुछ तरक्की के लिए, कुछ मुल्क की आलमियत को बरकरार रखने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए, हम बहुत हद तक उसका इस्तेमाल करने के बाद हम काफ़ी अपने आप को भी, मेरा ख्याल है कि आसान कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी को भी आसान कर लेंगे, और अपने मुल्क के लिए कुछ करते हुए नज़र आएंगे। तो जनाब बात हम करेंगे आज ड्रोन की। आप शादी ब्याहों पे, आप दीगर तकरीबात में ड्रोन उड़ता हुआ देखते हैं, कुछ लोग आज भी कुछ इलाकों में हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई, खाना छोड़ देते हैं लोग, देखना शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये क्या बला है। उसी पर आज हम बात करेंगे, और इस पे बात करने के लिए जनाब मुझे ज्वाइन कर रखा है, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इंजीनियर डॉक्टर फहीम इकबाल साहब। आप लाइसेंस्ड ड्रोन पायलट हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही तशरीफ लाए हैं आप। जी हाँ, कुछ अरसे के लिए आप पाकिस्तान में आए हैं, और हमने सोचा कि आपसे हम जानते हैं, आपसे हम पूछेंगे। आपने PhD कर रखी है जी ऑस्ट्रेलिया से ही, और आप वहीं पे ही जॉब कर रहे हैं, क्या खदमात अंजाम दे रहे हैं, और ड्रोन के हवाले से आज हम बहुत कीमती मालूमात जनाब आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और आप लोगों के भी इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उन्हें हम ज़रूर शामिल करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम आम जो इंसान हैं उनको भी इसमें शामिल कर लें। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ड्रोन है क्या उन लोगों के लिए जिन्होंने आज शायद पहली दफ़ा सुना हो, या अभी भी वो देखकर हैरान हो जाते होंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने जहाज़ तो देखे हुए हैं, जहाज़ को कोई पायलट चला रहा होता है, अंदर उसमें मुसाफिर बैठे होते हैं, और एक पायलट जैसे एक ड्राइवर होता है, ही इज़ ऑपरेटिंग, वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है जी। लेकिन ड्रोन में क्या होता है, इसमें कोई
बंदा उसके अंदर नहीं बैठा होता बल्कि रिमोटली उसको ऑपरेट कर रहा होता है, इसका एक सर्टन डिस्टेंस होता है जहां से वो चलाता है, ठीक है। तो इट्स यू कैन से मतलब ये वही चीज है लेकिन उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं रिमोटली। बिल्कुल सही है। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि बाकी ममालिक और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और किस तरह से होना चाहिए था? देखें, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका मेन मकसद ये होता है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, जो काम 100 लोग मिलके कर सकते हैं वो एक मशीन कर दे। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन अगर यूज़ हो रहे हैं, किसी जलसे के अंदर यूज़ हो जाते हैं, किसी शादी की तकरीब के ऊपर यूज़ हो जाते हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान में ड्रोन की कोई यूटिलिटी नहीं है। इसके बरक्स दूसरे ममालिक में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो उसको इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको रोड मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बेतहाशा उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये चीज़ मुझे बड़ी हैरानगी में मुब्तला कर रही है कि लाइसेंस्ड ड्रोन पायलट, ये क्या मतलब लाइसेंस, और ये हमारे यहाँ तो इसका कोई तसव्वुर नहीं है। जी, उसी तरह जिस तरह पायलट कोई जहाज उड़ा के मुसाफिरों को लेके जाता है या एक जंगी जहाज को एक आदमी या एक पायलट उड़ाता है, उसकी एक सर्टन ट्रेनिंग होती है ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके। इसी तरह इसके लिए भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इसके प्रॉपर लाइसेंस हैं, इसके रूल्स हैं, रूल रेगुलेशन है कहाँ पे आप इसको चला सकते हैं, कहाँ पे इसको आप नहीं उड़ा सकते, कितना आपको लोगों से डिस्टेंस रखना है और इसको चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें उसकी मेंटेनेंस वाली चीजें, उसकी ऑपरेशनल चीजें, उसकी डिजाइनिंग वाली चीजें, उसके क्लाइमेट पैरामीटर। और जब आप किसी एयरपोर्ट के करीब उड़ा रहे हैं या किसी हॉस्पिटल के करीब उड़ा रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास रेडियो ऑपरेटर का लाइसेंस होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हम जहाज में बैठे होते हैं तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टावर के साथ, एब्सोल्युटली वैसे ही इसकी भी वो रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए दैट्स रिक्वायर्ड कि उसका लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, इसका शायद ये वजह हो सकती है कि इसका इस्तेमाल अभी इतना आम नहीं हुआ, कुछ चंद लोग ही हैं जिनके पास ड्रोन है, या फिर आप क्या देखते हैं गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए इसमें थोड़ा अपना रोल प्ले करे, ताकि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, अब ऐसा भी होता है कि लोगों को लोग लाइल होते हैं, बाज़ औक़ात ड्रोन गिर भी जाते हैं, बैटरी परसेंटेज का नहीं पता होता, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आड़े, जो बेचारे जो सीख रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए भी लोग रेजिडेंशियल एरियाज में निकल जाते हैं और वहां पे भी ऐसी चीजें हमें देखने को आई हैं, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये शौक तो रखते हैं और शौक होना भी चाहिए लेकिन इसके कुछ मकासद भी होते हैं, उनको भी जहन में रखना चाहिए। एक तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई पॉलिसी नहीं है कि आया गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है या नहीं प्रमोट करना चाहती। दूसरा, अगर लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी के एतबार से वो सारे इलीगल यूज कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ड्रोन को इंपोर्ट करने से रोक रही है। अच्छा। लेकिन हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा लोग ड्रोन यूज करते हैं, कोई शादी की तकरीब ऐसी नहीं है। सबसे बड़ा जब भी कोई जलसा होता है, इवन हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर के जो जलसे होते हैं उनके अंदर भी ड्रोन यूज हो रहा। अच्छा, है वैसे उन जलसों के बाद लोगों को ज्यादा पता चला था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल जी। तो वेस्टर्न कंट्रीज में इसका जो सबसे पहला लॉ है कि आपको जब भी किसी आदमी या इंसान या बिल्डिंग के पास से उड़ाना है तो आपको 30 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अच्छा, आप उससे 30 मीटर दूर होंगे और 30 हाइट का भी इसी तरह से है, ठीक है, व्हेन यू आर फ्लाइंग नियर द एयरपोर्ट। तो इससे है क्या, क्योंकि ड्रोन के साइज 1 kg से लेके और पूरे प्लेन का जितना साइज होता है उतने बड़े ड्रोन भी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर 20 kg का ड्रोन 100 मीटर हाइट से किसी बंदे के गिर जाए सो प्रोबेबली ही इज गोना डाई। ऑफ कोर्स। तो इस वजह से इसकी रूल रेगुलेशन और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर लोग वैसे ही उड़ाते रहेंगे तो उसके हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि अगर पाबंदी लगानी है तो फिर बिल्कुल पाबंदी हो जाए, नहीं तो फिर इसके लिए कोई ना कोई रूल्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को, शहरियों को महफूज रखा जा सके। और हमें खुद भी इन चीज़ों के बारे में जी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो हमें खुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेरा ख्याल है कि किसी खुले मैदान में या किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर लोग नहीं हैं और
और ट्रेनिंग भी किसी ट्रेनर से ही ली जाए। ऐसा नहीं है कि आप आजकल तो हर चीज़ का हल हमारे पास यूट्यूब है और यूट्यूब निकालते हैं, वहाँ से देखते हैं और जनाब फ़ौरन से हम वो काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स मॉडल्स में भी फ़र्क होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के अतबार से बहुत इसमें डिफरेंस होता है और जिनका ख्याल रखना मेरा ख्याल हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। फहीम साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपने मुल्क की बात कर लें तो किन डिपार्टमेंट्स में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इसके फ़ायदे भी होते हैं नुकसान चले हम ये डिस्कस कर चुके, अब इससे हम फ़ायदे क्या ले सकते हैं, क्योंकि आप चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बाकी ममालिक को आप देखते हैं, वो लोग तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उसकी वजह यह है कि उन लोगों के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ों का हमें हमेशा से तवज्जो वहाँ पर दी जाती नज़र नहीं आती, तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या चाहिए वो अपने कौन से डिपार्टमेंट्स को के इस्तेमाल के लिए, उसको बेहतरी के लिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जी। हमारा सबसे ज्यादा जीडीपी का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है और फार्म साइज हमारे पास छोटे हैं, तो गवर्नमेंट को सर्टनली चाहिए कि जैसे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उनके अंदर ड्रोन से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हो, जिससे एक तो एक्सटेंशन वर्कर्स को हेल्प मिलेगी कि वो देख सकेंगे कि किसने किस बंदे ने कौन सी चीज़ उगाई है और उस पर किस चीज़ का अटैक हुआ है, कहाँ पे उसने पानी कम लगाया है, कहाँ पे ज़्यादा लगाया है, कहाँ पे उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है और कौन सी लैंड बंजर पड़ी हुई है, ताकि हम अपने मुल्क की जो पैदावार है वो पाकिस्तान से ही जनरेट कर सके, ना कि हमें बाहर से मंगवानी पड़े। इसके अलावा इंजीनियरिंग में जितने भी हमारे डैम्स हैं, जितनी भी हमारी रोड्स वर्क है, उनकी मॉनिटरिंग और उनके लिए जो सर्वे होता है, जब कोई बंदा सर्वे के लिए जाता है तो वो हार्डली अगर सर्वे कर भी पाता है रोड का तो हार्डली 20, 25 या 30 पॉइंट ले लेगा। ड्रोन हमें क्या प्रोवाइड करता है कि उसी एक इंच के एरिया में हमारे पास 100 से ज्यादा पॉइंट आ जाते हैं, विच कैन प्रोवाइड अस मच बेटर एक्यूरेसी। बिल्कुल सही है, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट आप? इसके अलावा हम जितने भी हमारे महकमा है वाटर मैनेजमेंट का, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द मॉनिटरिंग करनी है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आर्मी हमारी पहले से ही यूज़ कर रही है बॉर्डर के लिए, बॉर्डर की मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो पुलिस है वो शहर की मॉनिटरिंग के लिए, क्राइम रिपोर्टिंग के लिए वो कर सकती है। इसके अलावा किसी जगह पर अगर फायर थ्रेट हो जाता है, फायर आ जाती है, वहाँ पर कोई बंदा जाके नहीं देख सकता, तो हमें हेलीकॉप्टर्स मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, तो हम वहाँ पे ड्रोन लेके जाके उसकी पिक्चर्स लेके और उसका सारा प्लान बना के उसको एवैक्यूएशन प्लान जनरेट कर सकते हैं। ये वाले काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट की जा सकती है, जिस तरह अशूरा के मौके पे हमारे इस फैसलाबाद के शहर में हमेशा ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, कहीं पे जैम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे जलसा गुजर रहा है, उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा इसकी एप्लीकेशन है जो कि हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर अल्लाह करे गौर फिक्र हो रहा हो या फिर इस प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ सोचा जाए। और क्या कहेंगे, कोरोना जब आया, कोरोना पेंडेमिक से जब गुजर रहे थे तो बाकी ममालिक में, अब मैं कुछ वीडियोज हमारी नज़र से गुजरती रहती हैं, वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर डिलीवरी बॉय का काम भी दे रहे हैं, ड्रोन जो है उनसे बेशुमार काम लिए जा रहे हैं, तो इसने क्या रोल प्ले किया वहाँ पर? आपको कुछ नज़र आता है कि लोगों की जहाँ जिंदगी हम काफ़ी हद तक अपने घरों में ही महदूद होकर रह गए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारी ज़रूरत के लिए थी या ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तो क्या उन ज़रूरतों को पूरा करने में ड्रोन ने अपना कोई किरदार अदा किया? बिल्कुल, बहुत सारे कंट्रीज़ में जिस तरह यूके वाले, उन्होंने अमेजोन के ज़रिए डिलीवरी, अमेजोन की डिलीवरी ड्रोन के ज़रिए करवाई है। इसके अलावा दुबई में उन्होंने ड्रोन टैक्सी इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिलीवरी का काम जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिलीवरी वो ड्रोन के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी वहाँ पर लॉ ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनको जुर्माने भी हुए इस वजह से, क्योंकि अभी वो वहाँ पे परमिशंस नहीं है कि आप ये वाला काम भी कर सके, अभी सिर्फ आप उसको विदाउट एनी पेलोड आप उड़ा सकते हैं, कैमरों के जरिए उड़ा सकते हैं, या अपने फार्म पे उड़ा सकते हैं, या पर्टिकुलर रोड पे उड़ा सकते हैं, या आप कंड्यूसिव एरिया में उड़ा सकते हैं, ओपनली अभी अलाउड नहीं है। अच्छा फहीम साहब, जिस तरह आपने बाकी डिपार्टमेंट की बात की तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम ड्रोन की मदद से सियाहत में सियाहत को फ़रोग दे सकते हैं? सर्टनली, जब हम सिर्फ एक कैमरे से, स्टिल कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो उसके मुकाबले में अगर हम ड्रोन से पिक्चर लेंगे और किसी बंदे को दिखाएंगे तो
उनको ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी उसका, 360 डिग्री एंगल पे उनको पूरी सारी चीज पता चलेगी कि रियलिस्टिकली वो लगता कैसे है। तो ड्रोन का बेसिक मकसद यही है कि ख्वा वो सियाहत हो या वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या वो पॉलिसी मेकिंग हो, तो जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या सियाहत के लिए आने वाले, उन्होंने पहले वो जगह नहीं विजिट की, या जो इंजीनियर या पॉलिसी मेकर बैठा हुआ उसने वहां पे जाके वो खुद विजिट नहीं की, तो उसको वो पिक्चर, वो रियलिटी जो है उसके ऑफिस में नजर आ जाए। बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताइएगा, आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, क्या काम है आपका, और ड्रोन से रिलेटेड आप किस तरह से अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं? जी, करंटली वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंटिया के नाम से, जो कि कंस्ट्रक्शन और रोड्स और डैम्स और इस तरह के काम करती है। ठीक है। तो उसमें मैं एज ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो GIS टीम है उसको लीड कर रहा हूँ, जिसमें हम रोड की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए हम ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसको कंपैरिजन के लिए कि कहाँ पे हमारी रोड में कोई क्रैक आएगा और देर इज ए चांसेस के वहाँ पे क्रैक आएगा, तो क्रैक आने से पहले ही हम उस एरिए को सारा उसकी रिसर्फेसिंग और वो चीज़ें करते हैं। इसके अलावा डैम्स कहाँ पे बनाने चाहिए, कहाँ पे डैम में सिल्टेशन हो चुकी है, ये वाले काम्स के लिए हम वहाँ पे ड्रोन यूज करते हैं। और यहाँ आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल में, क्या इससे काम लिए जा सकते हैं, या जिस तरह आपने अभी बात की, और हमें क्या चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर, आप रुझान जिस तरह बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्तेमाल इसका बढ़ रहा है, लोगों को हावना हो रही है, व्लॉगर्स बहुत हद तक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी वीडियो में जान डाल देते हैं, वो ड्रोन शॉट्स जो होते हैं जी, वो देख के आपको लगता है कि कि यार ये इस्तेमाल इसका ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। तो क्या देखते हैं मुस्तकबिल, क्या देखते हैं, क्योंकि हम आज जो सोच के सोते हैं अगले दिन उससे भी कुछ नया हो चुका होता है, टेक्नोलॉजी बहुत हद तक बढ़ती जा रही है और इसमें बहुत हद तक जिद्दत आती जा रही है। तो ड्रोन के हवाले से क्या कहेंगे कि इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में आगे आने वाला जो दौर है वो मशीनों का दौर है, तो जो लोग टेक्नोलॉजी से लेस नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है, जो कि हमारे लिए रोल मॉडल है, तो जब वो इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, खाने को घर पे कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजी थी, तलवारें और जर्रा, वो मौजूद थी। तो इसी तरह से अगर हम आज की जो टेक्नोलॉजी है, ख्वा वो मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए हो या सिविलियन पर्पजेज़ के लिए हो, अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। हम उन लोगों से, हम बात करते हैं इंडिया की, हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते फिर। बिल्कुल सही। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जिस तरह बाहर कंट्रीज़ में उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज हैं, बकायदा डिपार्टमेंट है, एक जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग का स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग हो रही है, जो कि नस्ट में। तो लेकिन हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमें लोग वहाँ पे चाहिए, और लोग हम ऐसे जनरेट कर रहे हैं जिनको ड्रोन का इल्म नहीं है। बिल्कुल सही। तो वी आर ट्राइंग टू लिमिट देम। तो हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिपार्टमेंट होना चाहिए, एग्रीकल्चर में होना चाहिए, ताकि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए और लोग मशीनरी को यूज़ करके, ड्रोन को पॉजिटिवली यूज़ करके हम उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि उसको सिर्फ एज एक टॉय यूज़ करें जस्ट फॉर ए हॉबी। अच्छा, ये आपने एक बात बड़ी खूबसूरत कही कि अगर हम टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाएंगे तो हम तरक्की नहीं पा सकते। क्या देखते हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों ने मुंसलिक कर लिया है अपने आप को आईटी से, जिन लोगों ने मुंसलिक कर लिया है, फ्रीलांसिंग में आ गए हैं जो लोग, उन्होंने काफ़ी हद तक इस लेबल को अपने ऊपर से हटा दिया और हमारे मुल्क के अंदर इसका भी रुझान बढ़ता जा रहा है। तो मैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वहाँ ने लोगों को देखा है, उनसे बातचीत भी, और आप काम का तरीक़ेकार भी देख रहे हैं, हमारे अंदर और उनमें क्या फर्क आपको पाया जाता है एक इंसान होने के अतबार, यानी कि आप रोजगार के मौके तलाश करने के अतबार से अगर मैं बात करूं कि वहां जो वहां ये नहीं देखा जाता कि हमारे यहाँ एक जनाब कमा रहा है तो बाकी जनाब बैठ के घरों में वो इस इंतजार में ही है कि वो लाएगा, हम खाएंगे और घर जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन वहां मैंने देखा है कि बहुत मेहनती कौम है। अगर हम बाकी ममालिक की बात करें, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता होने का सफर तय ही तब होता है कि जब आपके अंदर जतन, लगन और ये सारी चीजें पैदा होती हैं और आप इनको साथ लेके चल रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं आप कि अगर हम वहां की बात करें और यहां की बात करें, क्या फर्क नजर आता है वहां के लोगों में और यहां के लोगों में? एक्चुअली अगर प्रोफेशन की बात करें, सबसे पहले तो ये है कि हमारे लोग काम को सीरियस नहीं लेते। ठीक है। हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास पैसे आ जाएं और लोग उसकी बात सुने और वो बॉस हो, लेकिन बॉस बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। मतलब
अगर हम एक ले मैन से देखें जो एक मजदूर है काम करने वाला, आप घर बनाना शुरू करें बजाय इसके कि आप उसको काम दे, वो आपको कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वहां पे क्या है, जितने भी लोग हैं दे आर टू मच प्रोफेशनल। अगर कोई ब्रिक वर्क करने वाला है वो ये नहीं आपको कहेगा कि कंक्रीट ऐसे होगी, वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड है ब्रिक वर्क में, वो अपना काम करेगा और चला जाएगा। बहुत हर फील्ड में दे आर प्रोफेशनल। यहाँ कोशिश ये की जाती है कि मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करने की कोशिश नहीं है, एक दो सीट्स उनको जहन में रख लिया जाता है, यानी यूं कहिए आम लफ्जों में कि हम किसी की जगह लेने की कोशिश में होते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल। और यही तरीका कार चलता रहा। वेल जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान और मुझे ज्वाइन कर रखा है, हमारे साथ मौजूद हैं जी इंजीनियर डॉक्टर फहीम इकबाल साहब। आप ऑस्ट्रेलिया अपने जनाब खदमात दे रहे हैं और यहाँ पे आज हमने मधु किया अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया ताकि ड्रोन के हवाले से हम जान सकें और बढ़ती हुई ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो जिद्दत आती जा रही है, नित नई ईजादात, और इनके ऊपर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रखा है। वेल, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, 0334-1966-966 ये नंबर है। और इसके अलावा जनाब आप ज्वाइन करेंगे मुझे मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज का भी हिस्सा, वहाँ के भी जो आपके मैसेजेस हैं उन्हें भी ज़रूर शामिल करेंगे। अभी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, कुछ लिसनर्स हैं जी साथ, और उनके पैगामात मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। क्या लिख भेजा है आप लोगों ने, इसको शामिल कर लेते हैं। हाफिज़ा बुशरा हैं हमारे साथ और लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा शो होता है आपका हमेशा, अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। शुक्रिया जी आपका, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा जी आयशा हैं और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ लोग ला इल्म होते हैं, हम भी ला इल्म थे, हमने भी फहीम साहब से सीखा है। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को जो ये बातें आप सीख रहे हैं इनके ऊपर अमल भी करना है, इनको ज़िंदगी में शामिल भी करना है। कभी कभी यूँ होता है कि हम एक बात सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और हम उनको बातों को अनसुना कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी ये आदत होती है वो कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाता। महक असदम है और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आतिफ सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने शो में सर मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं, किन को बुलाने का कह रही हैं आप, ज़रूर दोबारा मुझे लिख भेजिए क्लियर करके, जो भी नाम है उनका उन्हें हम ज़रूर शामिल करेंगे जी। हमारे साथ फहीम बलोच हैं और सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम को पसंद करें, बहुत शुक्रिया। सोहेब हैं जी, सलाम लिख भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तमाम का, बेहद शुक्रिया आप तमाम के, जो भी पैगाम हैं मैं साथ साथ शामिल करता रहूँगा। वजह यह है कि बाद में फिर बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं जी आप लोगों की जानब से कि हमारे पैगाम शामिल नहीं किए गए, ज़रूर शामिल करते रहेंगे। जिन लोगों ने मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे मुझे पैगामात लिख भेजे हैं उनको भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। फहीम साहब, क्या कहते हैं हमारी यूथ, उसकी राइट डायरेक्शन है क्या, क्या उस पर वो चल रही है? अगर हम पाकिस्तान की बात, जैसे सर आपने कहा कि वो वहाँ जिसका जो काम है वो उसी काम में लगा हुआ है, यहाँ की यूथ को अब तक यही नहीं क्लियर हो पा रहा कि हमें उनकी करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है और शायद काफ़ी हद तक अब वो ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी है कि माँ बाप जो मुसल्लत कर दिया करते थे कि मेरे बेटे को डॉक्टर होना चाहिए, अब इतने ज़्यादा प्रोफेशन आ चुके हैं कि आपके लिए चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। तो क्या कहते हैं लोग अब इस चीज़ के ऊपर भी जनाब होना शुरू हो चुके हैं जी कि अब आपको स्किल्ड बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ना है, अब जो आगे का दौर है ये स्किल्ड बेस्ड लर्निंग है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में बहसियत कौम, हमारा जो मकसद है हम उस मकसद से ही पीछे हट चुके हैं, पहली चीज़। ठीक है, तो एज ए इंसान जो हमारा मकसद है हमें सबसे पहले वो नज़र में रखना चाहिए, उस मकसद के साथ सानवी हैसियत की जो भी चीज़ें हैं उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे बच्चे की मेंटल कैलिपर किस तरफ है, वो किस तरफ जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको भी रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशलाइज्ड साइकेट्रिस्ट इस फील्ड में लाए जो कि लोगों को देखें, ठीक है, उनके इंटरव्यू करें, उनको जांचें, उनको परखें स्कूल लेवल से कि ये बच्चा किस फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आया ये बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन भी सकता है या नहीं, या ये एक अच्छा डॉक्टर बन भी सकता है या नहीं, या ये एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बन भी सकता है या नहीं, तो वो चीजें देखें, देन उनको ऑप्शंस दी जाए भाई आपके लिए ये अच्छा है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है उसका ब्रेन जो है एक सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, तो जो भी मुआशरा है उस पर जो भी लिखना चाहता है वो लिख देता है, तो हमें चाहिए उसके इंटरेस्ट को देखना
और उसको फिर वो वाली चीजें प्रोवाइड करना ताकि वो एक राइट डायरेक्शन में जा सके। बिल्कुल सही, बहुत खूब। एक जी अच्छा जी, फेसबुक पे हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जी एक क्वेश्चन है, केमिकल इंजीनियर सिर्फ इन्होंने अपना नाम लिखा, कहते हैं सर ड्रोन से वाटर कंटेमिनेशन भी देखी जा सकती है? सर्टनली देखी जा सकती है, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से आया होगा तो इससे सर्टनली देखी जा सकती है, क्योंकि जब हम ड्रोन से इमेज लेते हैं तो अभी तक हमने ये बात नहीं की उसकी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें हमारे पास हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा होता है, क्योंकि हम अपनी आंख से सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल पोर्शन है उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बात करते हैं यार जिन होते कहाँ पे, क्योंकि जिन अल्लाह सुभान तआला ने आग से बनाए और हमारी आंखें जो है वो थर्मल बैंड को नहीं देख सकती, लिहाजा हमें वो नजर नहीं आती। अक्सर लोगों ने कैमरे पे तस्वीर लगाई होती भाई हमें ड्रोन नजर जिन नजर आ गया, कैसे नजर आ गया, क्योंकि वो थर्मल कैमरा था, दैट्स व्हाई। तो जो पानी में चीजें हैं जब हम थर्मल कैमरे से लेते हैं तो जहां जहां पे कंटेमिनेशन होगी तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उससे भी आगे अगर हम जाएं हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे पे तो उसी बैंड उसी वेवलेंथ को आगे बहुत सारे ज्यादा बैंड्स में डिवाइड किया होता है, जिससे हमें वो डिफरेंस अकेला नजर आ जाता है कि कहाँ पे उसमें वाटर कंटेंट्स में कोई कंटेमिनेशन है, मे बी इट कुड बी पीफैस और कोई और चीज भी हो सकती है, तो उससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा बाहर वाले मुमालिक में तो वो क्रॉप की जो यील्ड है जी। आपको 3 माह से पहले पता चल जाता है कि आपकी यील्ड आएगी कितनी और कहां कहां पे आपकी क्रॉप स्ट्रेस है, ताकि आप उस क्रॉप को वैसे मैनेज करें और यील्ड बढ़ाएं। तो आज हमारे जो ज़राअत के साथ जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो देख के बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। बल्कि सबसे बड़ा जो एक जो अलमिया है वो ये है कि हमारे आज ज़रई रकबों के ऊपर आपको रेजिडेंशियल जनाब कॉलोनीज जो हैं वो नज़र आएंगी और लोगों का इस पर से रुझान कम होता जा रहा है। हमें इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें सब्जियां फल ये सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे मुल्क से ये कम होता नज़र आ रहा है। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो ज़रात के ऊपर भी काम करे और उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत ही कुछ हमें मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें सोचने के लिए ही नहीं बल्कि इनको अमली जामा भी पहनाना चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना है और इसके ऊपर अमल करते हुए हम नज़र भी आएँ। हमें हम दूसरे ममालिक को बात करते हुए उनको कोट तो कर लेते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी उनकी कामयाबियों को, काविशों को, लेकिन उसके ऊपर अमल करते हुए हम फिर कतराने लगते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की हैं और ये जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं वो उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर ज़रूर काम करें ताकि आम शहरी भी इसका हिस्सा बन सके। शाइस्ता जलाल हैं हमारे साथ, सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इस्माइल हैं और सलाम लिख भेजा है और कहते हैं कि शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू वेरी मच जी। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप लोगों से यही हम जनाब फीडबैक इस वजह से एसेंशियल होता है कि हमें पता चलता रहता है उस पर कौन लोग हैं और हमें सुन रहे हैं। बाद में भी मैसेजेस आ रहे होते हैं लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्राम जब आप मैसेज करते हैं उसका पर्पज़ सिर्फ ये नहीं होता कि आपका नाम ही लेना है, जो आपने बहुत खूबसूरत सवाल लिखा होता है, कहते हैं जी कि सवाल करने वाला भी बहुत अकल रखता है, अच्छा सवाल करने वाला, और जो आज सवाल करता है वो कल को जवाब देने के काबिल भी होगा। और यहाँ हमारे यहाँ ये भी चीज़ मेरा ख्याल है कि कम होती हमें नज़र आ रही है, हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हुए इसलिए हेजिटेट होता है कि हो सकता है मेरे सवाल पे जवाब की बजाय एक हंसी का सा समा बन जाए और मेरी बेइज्जती हो या मेरी तस्वीर होना शुरू हो जाए। एक्चुअली देखिए आतिफ भाई, एक तो चीज़ है सवाल की और दूसरी चीज़ है बेइज्जती को महसूस करने की। सवाल वो करता है क्लास में जिसके कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई करें जो इंटेलिजेंट होता है वो क्लास में बोलता है, जो इंटेलिजेंट नहीं होता वो एग्जाम में बोलता है। बहुत खूब, बहुत ठीक है, बहुत खूब। और दूसरी बात है तजलील की। जब भी कोई इंसान अपने मुकाम को अपने मुकाम से ऊपर देखता है वो नीचे, लेकिन वो समझता है कि वो उससे ऊपर है, तो वो सवाल करते हुए या बात करते हुए अपनी तजलील महसूस करेगा। तो हमें पहचानना चाहिए हमारा मुकाम क्या है और हमें वहीं पर रहने की कोशिश करनी चाहिए और आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब जी फहीम साहब। मलिक अली रज़ा हैं जी जड़ावाला से, कहते हैं भाई जान क्या हाल चाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इमरान हैं हमारे साथ और आपने भी सलाम लिख भेजा है, आपका भी बेहद शुक्रिया।
और फहीम बलोच अगेन आपने मैसेज किया है जी और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। क्या कहेंगे जी फहीम साहब, जाते हुए प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजर गया, और क्या कहेंगे ड्रोन के हवाले से, अगर कोई आपको लगता है कोई ऐसी बात जो हमारे मुल्क के वासियों को भी इससे कुछ सीखना है और तरक्की के लिए कुछ करना है, कामयाबी के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल में कुछ बेहतर करना है, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि हमें यूथ सुन रही है, बल्कि हमें हर उम्र के लोग सुन रहे होते हैं, ये तो हमें तब पता चलता है जब हमें कॉल्स आती हैं, जब हमें मैसेजेस आते हैं कि हमें हर छोटा बड़ा सुन रहा होता है, तो क्या कहेंगे जाते जाते? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम बयान करूंगा जिसमें हमारे लिए बहुत क्लियर मैसेज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में रहो ऐसे जी कि जैसे तुमने अभी यहां से चले जाना है, बहुत खूब, लेकिन काम करो ऐसे इतने पुख्ता करो कि जैसे तुमने हमेशा यहाँ पे रहना है, ताकि बाद में आने वालों को वो काम दोबारा ना करना पड़े बल्कि वो उससे ऊपर जाएं। क्या बात है जी, क्या बात, बहुत ही अच्छा रहा जी आज का प्रोग्राम, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला अपनी इसी तरह से खदमात, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप हमें पाकिस्तान में भी बहुत इस तरह काम करते हुए नज़र भी आए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हों तो फिर ही है। अब आप की जो खदमात है जो आपने बताया, जो आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ उसका अभी तक तसव्वुर भी नहीं है, यहाँ अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो यही वजह है कि बाकी ममालिक हमसे बहुत आगे जा चुके हैं, हम इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं। हमें अगर कुछ करना है अपने ऑफिसेज में तो बस लेग पुलिंग करनी है, हमें जनाब दूसरा हमसे आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं होता, और इसी चीज़ के अंदर हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। फहीम साहब बहुत शुक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद थे जी, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाएँ, और जनाब आपकी बहुत कीमती मालूमात आज के जो प्रोग्राम की आप लोगों तक पहुँची, उम्मीद है आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल 2 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान आतिफ खान को दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।